अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय पकवान स्टोरीज चैनल। डे वन इफ्तारी की तैयारी। फ्रूट्स लेके आए बाज़ार से इफ्तारी तैयारी के लिए। अब पकाने का भी देखेंगे। चने की दाल सलाद बहुत अच्छा रहता, एक चार विजल लगा देंगे। अब अपन चिकन सूप और चिकन के रोल्स बना रहे, दो आइटम्स। कैबेज, कैरेट, अदरक लहसुन, अदरक और लहसुन अलग अलग, दो कच्चे मिर्चियाँ, बीन्स, थोड़ा सा प्याज के पत्ती, पूरे बारीक से कट कर लेना। अब छोटा सा कढ़ाई लगा देंगे। थोड़ा ही डालना तेल। अब इसमें लहसुन और अदरक दो भी अच्छे से भुने जाना और थोड़ा सा हल्दी डाल लेना। अब ये कट कर लिए सो तरकारी, आखिरी में प्याज के पत्ती डाल लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लेना और थोड़ा पानी डाल लेना, पकने देंगे इसको। अब ये चिकन पक चुका है, इसको छोटे छोटे पीसा कर लेंगे। ऑलरेडी मैं ओवन में लगा दिए थे चिकन पकने को। और एक एक बर्तन में भी चिकन और एक एक रोल के लिए पक रहा है बाजू में। अब ये चिकन के पीसन डाल लेंगे और एक स्पून सोया सॉस और एक केचप भी डाल लेना है, टमाटो सॉस। अब ये बर्तन छोटा है औटने को, दूसरा बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे, बड़ा बर्तन में। अब डेढ़ स्पून कॉर्न का आटा थोड़ा पानी में मिला लेके डाल लेना, डायरेक्ट नहीं डाल लेना। अच्छे से औटना, गाढ़ा होना, तब तक चिकन इधर पक चुका है, अब निकाल लेंगे। अब ये मिक्सी में पीस लेंगे, बारीक पीसना है इसको। अब इसमें कैबेज, कैरेट, थोड़ा सा प्याज, मिर्ची, नमक और क्या, पेपर पाउडर, काला मिर्च पाउडर, ये सारे डाल लेना है इसमें। बहुत अच्छा दिखता ने रमज़ान के महीने में, पका लेते हुए, सहरी करते हुए, इफ्तारी करते हुए बहुत अच्छा दिखता। अब ये पूरे मिला लेंगे। थोड़ा सा आटा एक कप खुश्की के लिए अलग, ये अब इसको गून लेंगे। पूरी का आटा जैसा गुन लेते वैसा गुन लेंगे। ये दाल भी पक चुका है सलाद के लिए। अब पानी निकाल देके फ्रिज में लगा देंगे ठंडा होने के लिए। अब रोटी बना लेंगे, बहुत पतले बनाना है, पेपर के जैसे बनाना है रोटियों को, तो ही रोल अच्छा आता, खाते रहते तो भी मज़ेदार बनता। आप भी ज़रूर ट्राई करो, मैं भी यूट्यूब में देख लेके सीख ली थी। रोटी को सेक लेंगे,
कच्चा पक्का सेक लेना है, बहुत अच्छा क्या सेकना ज़रूरी नहीं है। तब तक कढ़ाई में तेल डाल देंगे गरम होता, इधर रोज़ बना लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके में रोज़ बना लेंगे, एक ही जैसा एक ही शेप में बनाना ज़रूरी नहीं है, अपन की मर्ज़ी, जैसा भी बनो टेस्ट तो वही होता ना। मैं अलग अलग शेप में बना रही हूँ इसको, एक समोसा ही बना दी थी। चलो समोसा टाइप ही है ये। अभी ये वे कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीसा कट करना है उसको, आधा आधा अच्छे से तल लेना, ब्राउन कलर आना, अंदर भी पके जाना। बाकी के भी अब हम इधर साइड में और भी बना लेंगे। रोज़ एक वैरायटी ज़रूर रहेगा, आप लोग ज़रूर देखो मेरे वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट। हमारे ननन बोल रहे थे मुझे ऑयल फूड नको, मैं तवे में देख लेती हूँ, अच्छे से गरम कर लेके सेक लेके खाती हूँ बोल रहे थे। अब तवा में भी फ्राई करके लगा रहे हैं। और एक एक वैरायटी दाल हो गया, इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर, काला मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हरे धनिया, कोथमीर, बहुत अच्छा रहता जी खाए तो। चलो दस्तरखान पे बिछा लेंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक, इफ्तारी की तैयारी, नमाज़ पढ़ो पूरे मुसलमाना, 5 टाइम चिकन सूप बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ को। आप लोग देख के ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और एक वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।